नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में एनपीएस पीड़ित शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों का वोट ही निर्णायक वोट होगा। विजय कुमार बंधु राष्ट्रीय अध्यक्ष, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्र आंदोलन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने के नेतृत्व में देश के 85 लाख कर्मचारियों द्वारा देशभर में पुरानी पेंशन बहाली हेतु चलाया जाने वाला एक राष्ट्र आंदोलन है, जो अलग अलग राज्यों में राज्य इकाइयों द्वारा व राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय टीम द्वारा पूरे देश में एक साथ चलाया जा रहा है। देश के शिक्षक कर्मचारी अधिकारी इतिहास का ये सबसे बड़ा आंदोलन है, जिससे लाखों करोड़ों लोग व उनके परिवार, नाते रिश्तेदार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2023 को देश की राजधानी नई दिल्ली के रामलीला मैदान में विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में देश भर के लाखों लाख शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों ने कर्मचारी जगत का आज तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन बहाली की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया है और देश की हुकूमत के सामने ओपीएस बहाली की अपनी मांग को मुखरता से रखा है। अब इस आंदोलन ने बड़ी सफलता अर्जित की है और धीरे धीरे राज्य दर राज्य एनपीएस मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। न केवल संख्या बल के प्रदर्शन, बल्कि ये आंदोलन अनेक युक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने चरम लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक वोट की शक्ति, मेरा वोट मेरा भविष्य, माय वोट इज माय फ्यूचर, पावर ऑफ वन वोट। इस आंदोलन का चरम लक्ष्य पूरे भारत को एनपीएस से मुक्ति दिलाने है और जहां ओपीएस बहाल हुई है उसकी सुरक्षा करना है। हर सशक्त लोकतंत्र के लिए मतदान करने की अपील करते हैं तथा प्रभावशाली प्रतिनिधित्व का चुनाव करें। समावेशी विकास और स्वयं व परिवार के बेहतर भविष्य के लिए एक प्रदेश के विकास हेतु अधिक से अधिक अपने मुद्दों पर वोट करें। मेरा वोट मेरा भविष्य के लिए 100% मतदान करें। लोकतंत्र को मजबूत करें। पेंशन बहाल करो, हम वोट दें। और वोट देना एक जानकारी और मैं आपको बताऊं, कई सारे कर्मचारियों को नोटिस दी गई है निर्वाचन आयोग की दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा वोट है, हम तय करेंगे किसको देना है। निर्वाचन आयोग तय करता है कि हमें वोट कराना है, चुनाव कराना है, स्वतंत्र रूप से कराना है, निष्पक्ष कराना है, लेकिन एक एक कैंडिडेट किसको वोट देगा वो नहीं तय करेगा। जिसका वोट है वो तय करेगा। हमारा वोट है, हम तय करेंगे तो किसको देना है। ये कैंपेनिंग वोट फॉर ओपीएस का लगातार चल रहा है और पांचों विधानसभा जहां चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, मिजोरम मान लीजिए हो गया, हर जगह मेरी कंपेनिंग चल रही है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, शिक्षक अपना वोट डाल रहा है, कर्मचारी अपना वोट डाल रहा है, लेकिन समाज के हम लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग है, हम निश्चित रूप से हम औरों को भी अपने मुद्दे पर गोलबंद कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि पुरानी पेंशन और निजीकरण एक बड़ा सवाल है। और निजीकरण को लेकर के जो निजीकरण का सवाल है, शायद आप सबके बीच में गया होगा, जहां एनपीएस से नई पेंशन व्यवस्था से हमारा भविष्य खराब हो रहा है, वही निजीकरण से नौजवानों का वर्तमान खराब हो रहा है। नौकरियां खत्म हो रहे, सरकारी संस्थान खत्म हो रहे, विभाग खत्म हो रहे हैं। तो ये कंपनी हमारी लगातार चल रही है और इसी को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर डोर टू डोर कंपनी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अपनी बात कह रहे हैं, हम लोग उन समझा रहे हैं कि हम लोग गरीब गुरबा लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, नौकरियां, शिक्षा और नौकरी हमारा सबसे बड़ा माध्यम है। हम उसी को लेकर अगर शिक्षा हो जाए खत्म हो जाएगी या महंगी हो जाएगी और रोजगार खत्म हो जाए तो हम जाएंगे कहां। तो ये सवाल हमारे बीच में हमारे साथी लगातार कर रहे हैं। हम लोग चुनाव में भी भागीदार हैं, हम सरकार की मदद में भी भागीदार हैं, हम वोट कराने से लेकर जनगणना कराने तक शामिल रहते हैं। एक जो बड़ा सवाल है, इस देश के अर्धसैनिक बल को पेंशन नहीं दी जाती पुरानी, इस देश के असैनिक बलों को पुरानी पेंशन नहीं दी जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियों में आए, ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या देश के असैनिक बलों को पुरानी पेंशन न देना है कौन सा राष्ट्रवाद है। नेता चार चार पेंशन लेगा एसी में बैठ करके, और देश के जो जान आन मान शान है, जो देश के लिए कुर्बान होता है, घर परिवार से दूर दूर करके रहता है, उसको पेंशन नहीं दी जाए, ये तो हम समझते सच बड़ा न्याय है। और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ, हमारी दो दिन बात हो सकती है, लेकिन देश के असैनिक बलों को तत्काल पुरानी पेंशन बहाल की जाए। कुछ हमारे साथ उदाहरण है एनपीएस को लेकर के, जो लोग कहते हैं कि एनपीएस और ओपीएस में क्या फर्क है,
हमने आपको दे रखा है अंदर के रूप में, ये मैंने नहीं छापा, ये 52,000 वेतन 990 रुपए पेंशन, ये पूरे देश का उदाहरण है। 1990 रुपए कैसे होगा गुजारा? संकट में गुरु जी चाय की दुकान पर आ गए। लगातार कई वर्षों से वो पुरानी पेंशन के मुद्दे पर कर्मचारी को जागरूक कर रहे हैं और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर इस बात का दबाव बनाते रहे कि पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा बने। और आज की तारीख में देश के लगभग सभी राजनीतिक दलों के लिए पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा बना है, चाहे उसके पक्ष में लोग बोले चाहे विपक्ष में बोले। यहाँ पर है उनसे अपील है और वो बिल्कुल तैयार है, अपना वोट अपने परिवार का वोट मुद्दों पर पुरानी पेंशन पर देने को तैयार है। जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में रखी है उसके निश्चित उसका बहुत बड़ा लाभ उसको मिलेगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो होगा कि शिक्षक कर्मचारी का अपना वोट। भाजपा ने जो अपना संकल्प जारी किया है उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का प्रावधान नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि बहुत सारा मध्य प्रदेश कर्मचारी टट्टी लगाए देख रहा था कि 5 साल सरकार चलाए हैं तब नहीं सुने, हो सकता है आप कोई बात रखें, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ चर्चा तक नहीं की गई है और तमाम योजनाएं जो लागू करने की बात की जा रही है वो सारे लागू करने का काम वही शिक्षक कर्मचारी अधिकारी करता है, उसका नाम लेवा नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं ये उनका जो ये पीड़ा है वो कहीं आक्रोश में वोट के रूप में बदले ना, हो सकता है कुछ चुनाव के परिणाम को बहुत प्रभावित करे। एनपीएस और ओपीएस में क्या फर्क है? देखिए एनपीएस पेंशन व्यवस्था नहीं, वो एक स्कीम है और ये स्कीम उद्योगपतियों के फायदा दिलाने के लिए लाई गई है। पुरानी पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा थी, 20 साल 30 साल कोई काम करे समाज को देश को विभाग को समय दे उसके बाद वो रिटायर होने के बाद कटोरा लेकर घूमे, ये कहीं से अच्छा नहीं है। तो ओपीएस ही असली पेंशन है और जिन राज्यों में पेंशन अभी बहाल हुई है नम ओपीएस के संघर्ष से मैं बता रहा हूँ वहाँ के लोगों में खुशहाली है। 1770 रुपये वाला 36,850 रुपये पाकर उसका परिवार आशान्वित है और अगर पैसा पा रहा है उसके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे अच्छी शिक्षा मिलेगी तो ये तो देश के लिए अच्छी बात है ना। ओपीएस देश हित में है, एनपीएस उद्योगपतियों के हित में। अभी अग्निवीर के बारे में बता रहे थे, देखिए अग्निवीर एक तो बहुत ही सेना का निजीकरण किया जा रहा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि गरीब गुरबा किसान घर का बच्चा सेना में एक उम्मीद लेकर देश सेवा की उम्मीद लेकर जाता है, एक सपने लेकर जाता है, उसके साथ अन्याय। 19 साल का लड़का चला गया, उसके माँ बाप उसके परिवार के जो भी लोग हों किस हाल और न उनको पेंशन मिलेगी न उन्हें सुविधाएं सेना की मिलेगी, बस देश के लिए जान दे दो लेकिन पेंशन नेताजी लेंगे, 4-4 पेंशन लेते हैं और हमारे अर्सैनिक बलों को भी पेंशन नहीं। अग्निवीर तो न एनपीएस में न ओपीएस में। आप बता रहे थे कि कुछ स्टेट से वहाँ पर आपने ओपीएस अभियान चलाया था और वहाँ की जो पार्टीज थी उन्होंने उसे लागू किया और उनकी सरकारें बन गई। हाँ ये हम लगातार कहीं से उसको हमने तमाम राज्यों से शुरुआत करते हुए अभी लेटेस्ट आपने हिमाचल और कर्नाटक देखा होगा, हमने वहाँ भी वोट फॉर ओपीएस का कैंपेन चलाया और लोगों ने कर्मचारी छोड़ दी थी। जो आम लोग हैं उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल गलत है, जो नौकरियों में नौजवान आने वाला उनको भी लगा कि मेरा मुद्दा है, सब लोगों ने मिल करके वोट फॉर ओपीएस का समर्थन किया और वहाँ परिणाम आप सब जानते हैं कि चुनाव आया। मध्य प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस उसने आपके मुद्दे को अपने वचन पत्र में शामिल किया है ओपीएस देने की बात कह रहे हैं, तो क्या रुख रहेगा आपका? देखिए हम मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र है या वचन पत्र है मैं उनका हमारा मुद्दा उन्होंने शामिल किया, मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से जब दोनों घोषणा पत्र सामने होंगे और वोट देते समय जब आदमी देख के जाएगा तो उसको पता है कि हमें वोट किधर देना है और ये बहुत बड़ा लाभ जो अपने वचन पत्र रखे उसका मिलेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं और स्वभावता मिलेगा। मेरा फाइनल सवाल ये है कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में ओपीएस कितना चुनाव को प्रभावित कर सकता है? पूरे परिणाम का ओपीएस टर्निंग पॉइंट होगा, बहुमत का आंकड़ा यही शिक्षक कर्मचारी तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ, नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।